किसानों को बर्बाद हुई फसल की मुआवजे की बड़ी रकम देने के वादे किए गए, लेकिन किए गए वादों में से एक भी वादा राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिस कारण दिवाली पर राज्य के हजारों किसान परिवारों के घरों में अंधेरा छा गया है। ऐसा आयोजित पत्र परिषद के दौरान महाराष्ट्र राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा कहा गया। वादों और घोषणाओं की बरसात करने वाली सरकार ने एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं की है। ऐसा ठाकरे सरकार को हमारे सवालों का सार्वजनिक जाहिर तौर पर जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता और किसानों को धोखा देने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसा आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा। सरकार के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारी बारिश से राज्य में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। दरअसल 100 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और बाढ़ के कारण खेत बंजर हो गए हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण अगले 10 वर्षों तक कोई भी फसल की निश्चितता नहीं होती है और ठाकरे सरकार ने 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता का आश्वासन दिया था, लेकिन घोषित सहायता का एक अंश भी किसानों तक नहीं पहुंचा, जिस कारण राज्य में किसान उदास है और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। इसी दुख से हजारों किसान परिवारों की दीपावली अंधकार में होने वाली है। हालांकि मातोश्री, वर्षा और मंत्रालय को रोशनाई रोशन किया जाएगा, लेकिन ठाकरे सरकार अगर किसानों के दुख को समझ सकती, अगर किसानों के दुख में शामिल होती, तो इस साल की दिवाली को किसानों के दुख की दिवाली घोषित कर दिया जाए और मातोश्री, वर्षा और मंत्रालय पर रोशनाई ना करे। ऐसा भी आयोजित पत्रकार परिषद के दौरान बोंडे द्वारा कहा गया। महाराष्ट्र बंद का समर्थन करने वाले महाविकास अघाड़ी ने लखीमपुर कांड के बाद हुई कैबिनेट बैठक पर दुख जताया है। फिर उन किसानों के लिए क्यों सरकार दुख जताती है जो राज्य में संकट में है और हताशा होकर आत्महत्या कर रहे हैं? ऐसा सवाल भी बोंडे द्वारा उपस्थित किया गया। त्या नुकसान भरपाई मागणी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्णता केली नाही, त्याच्यामुळे या दिवाळीच्या अगोदर कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता दिसत नाही। खरं जर पाहिलं तर शेतकऱ्याचं सोयाबीन मार्केटमध्ये यावेळेला यायला लागतं, पण आता दोन क्विंटल प्रति एकर अशा प्रकारे सोयाबीन झालं। कापूस अजून बाजारात आला नाही, तूर अजून बाजारात आले नाही, संत्र्याचे पैसे झाले नाही, परंतु अशी परिस्थिती असतानासुद्धा महावितरण मात्र कसायासारखी पाठीमागं लागली आहे। म्हणजे हे महावितरण शेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन त्याचं कनेक्शन कापायला, म्हणजे एक करंट बिल भरलं नाही, मागचं बिल भरलं नाही म्हणून कनेक्शन कापायला सुरुवात केली। शेतकऱ्याची डीपी ट्रान्सफॉर्मर जर जळला असेल तर तो ट्रान्सफॉर्मर 24 तासाच्या त्यांनी दुरुस्त करून द्यायचा असतो, पण दुर्दैवाने ते म्हणतात की या ट्रान्सफॉर्मरवरचे 80% शेतकरी जोपर्यंत पैसे भरत नाही तोपर्यंत ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त केल्या जाणार नाही। इस दौरान बोंडे बोले, अगर किसानों को दिवाली से पहले मुआवजा अदा नहीं किया गया तो दिवाली के दिन नागपुर स्थित मुख्यमंत्री के रामगिरी निवास के सामने धरने पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।